हेलो स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर 4th चैप्टर का ये 4.2 स्टार्ट किया गया। 4.2 के पहले और दूसरे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ बोर्ड पर लिया जाए। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट एम ऑन इट। सो स्टूडेंट्स, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है एक सर्कल पर। सर्कल का जो रेडियस है वो 3.2 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्केल के हेल्प से राउंडर में 3.2 सेंटीमीटर लीजिए। 3.2 सेंटीमीटर लेकर एक सर्कल बनाइए। 3.2 सेंटीमीटर लेकर एक सर्कल बनाया जाए। एक सर्कल हमने बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये लोग कह रहे हैं एनी पॉइंट एम ऑन इट, इस सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट एम लेना है। एम ले लिया आपने। अब ये कह रहे हैं पॉइंट एम से एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाइए। अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर पी, सेंटर मस्ट बी पी एंड रेडियस 3.2। रेडियस यू कैन ड्रॉ 3.2 एनी एट एनी पॉइंट एम ऑन इट। तो इसके ऊपर एक पॉइंट एम लिया गया। अब एम से एक टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट किसे कहते हैं जो सर्कल को जस्ट टच करके जाएगा, बस इसे टच करेगा, छुएगा, उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। ओके, तो चलिए उस टेंजेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेंटर से जो रेडियस आ रही है उसे हमें एक्सटेंड करना होगा, बढ़ाना होगा। बढ़ा दिया गया। अब आप राउंडर ले लीजिए। राउंडर यहां पर रखिए, राउंडर का नोक इसके ऊपर रखिए, एम के ऊपर, और कितना भी डिस्टेंस लेकर कट कीजिए, एक यहां पर एक वहां पर, दोनों कटिंग सेम साइज का होना चाहिए, यहां पे कट और यहां पे कट। फिर आप राउंडर यहां पर रखिए, आप कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। राउंडर यहां पर रखकर एक कट कीजिए ऊपर, एक कट नीचे। सिमिलरली सेम साइज इस कट पर रखना है ना, कट पर रखिए, कट पर रखकर वापस ऊपर कट कीजिए एंड नीचे कट कीजिए, मींस यहां से ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। अब स्केल रखकर इन दोनों कटिंग को मिला दीजिए। स्केल रखकर दोनों कटिंग को मिलाइए, परफेक्ट। अगर आपकी लाइन दोनों कटिंग और सर्कल को जस्ट टच करके जा रही है तो आपका फिगर परफेक्ट है, 100% करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने देख लिया। सेम टू सेम इसी क्वेश्चन का रिवीजन होगा सेकेंड क्वेश्चन में, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। तो 2.7 सेंटीमीटर आप राउंडर में लीजिए स्केल के हेल्प से और सर्कल बनाइए। द सर्कल इज 2.7 सेंटीमीटर, रेडियस 2.7 सेंटीमीटर लेकर हमने सर्कल बनाया। ये सर्कल बना रहे हैं हम लोग। ये सर्कल बन गया। अब हम सेंटर डिसाइडेड है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। तो इन्होंने इस बार पॉइंट का नाम नहीं बताया, तो आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो लिख देते हैं सेंटर बी और पॉइंट एम। अब वापस पॉइंट एम से हमें टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाना है, तो चलिए दिखाते हैं। तो पहले हम रेडियस, सेंटर से जो रेडियस है उसे बाहर एक्सटेंड करेंगे, अब उसके ऊपर कटिंग्स करेंगे। तो M पर अपना राउंडर रखिए और दोनों साइड कट कीजिए, कितना भी डिस्टेंस लीजिए चलेगा, यहां पर भी कट कीजिए और वहां पर भी कट कीजिए। दोनों साइड कट करने के बाद यहां पर अपना राउंडर रखिए, पहले यहां पर रख लेते हैं, यहां पर रख लिया, ऐसे और ऐसे दो जगह पर कट कीजिए, सेम डिस्टेंस लीजिए, यहां पर रखिए, ध्यान दीजिए ब्लू और रेड लाइन की कटिंग पर रखना है, यहां पर रखा आपने। अब यहां से यहां पर कट कीजिए और यहां पर, इनसे ऐसे रखकर
आपने यहां पर कट किया और यहां पर कट किया, फिर ये दोनों कटिंग को मिला लिया। ये आपने मिला दिया। अगेन यू हैव ड्रॉन टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो यहां पर जो ब्लैक लाइन है वो सर्कल के लिए टेंजेंट है, यहां पर जो ब्लू लाइन है वो सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। एक बात और ध्यान से सुनकर रखिए, बाद में यूज होगा। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया हमने सेंटर का यूज करके, मतलब सेंटर का उपयोग करके। हम सेंटर से ही लाइन पहले बढ़ाया ना, सेंटर से रेडियस बढ़ाया और फिर उसके ऊपर ड्रॉ किया टेंजेंट। सेंटर से रेडियस बढ़ाया फिर उस लाइन के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो यहां पर हमने सेंटर को टच किया है, मतलब सेंटर का यूज करके, सेंटर का उपयोग करके हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। अगला क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर इन्होंने बोला है सेंटर यूज मत करो। तो देखेंगे हम लोग बिना सेंटर को टच किए अगले क्वेश्चन में टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, विदाउट यूजिंग द सेंटर। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। सर्कल चाहिए हमें 3.6 सेंटीमीटर, तो राउंडर में आप 3.6 सेंटीमीटर लीजिए स्केल के हेल्प से। 3.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमने बनाया। अब इन लोगों ने कहा 3.6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के बाद ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट। फिर से नेम नहीं दिया इन लोगों ने, तो हम लोग खुद से नाम रख लेते हैं एम, एनी पॉइंट एम। अब एम से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब सेंटर यूज नहीं कर सकते, तो सेंटर से रेडियस बाहर नहीं बढ़ाना है, सेंटर को आप टच नहीं कर सकते। सेंटर को आप टच नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कैसी भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कहीं भी कैसी भी लाइन चलेगी, फिर वहां से फोल्ड कीजिए, कैसे भी कहीं भी जाइए चलेगा, फिर वहां से फोल्ड करके यहां पर आ जाइए, कैसे भी आइए चलेगा, कैसे भी लाइन ड्रॉ कीजिए, कैसे भी ड्रॉ कीजिए, कैसे भी ड्रॉ कीजिए, एक ट्रायंगल बनना चाहिए बस। ओके अब इसके बाद स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे अच्छी तरह से। आप क्या कीजिए कि यहां पर राउंडर का नोक रखिए और पेंसिल से कितना भी डिस्टेंस लीजिए और एक ऐसे चांद बनाइए। यहां पर नोक रखिए पेंसिल का, सॉरी राउंडर का नोक, यहां पर पेंसिल से यहां पर एक चांद बनाइए, सेम वही साइज यहां पर रखिए नोक राउंडर का और वापस से चांद उसी साइज का बनाइए। जो साइज का चांद यहां पे आपने बनाया उसी साइज का चांद यहां पर भी बनाएंगे। इसके बाद आप चांद पर खड़े हो जाएंगे और चांद को माप लीजिए। चांद पर खड़े हो जाइए राउंडर ऐसे लेकर, राउंडर यहां पे रखिए और चांद को ऐसे राउंडर से माप लीजिए, फिर उतना ही साइज आकर चांद पर खड़े हो जाइए यहां पर और चांद को इस तरह से काट लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, चांद पर खड़े होकर चांद को माप लिया, फिर चांद पर खड़े होकर चांद को काट लिया सेम साइज का। अब देखिए यहां पर आपको दो पॉइंट मिला, एक और ये दो। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो आपने ये ड्रॉ किया टेंजेंट। ये आपने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। ये टेंजेंट जस्ट सर्कल को टच करके निकलेगा, सिर्फ टच करेगा, बरोबर। तो जितनी अच्छी तरह से टच कर रहा है सिर्फ, उतना अच्छा आपका फिगर बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ड्राइंग अ टेंजेंट विदाउट यूजिंग द सेंटर, बिना सेंटर का यूज किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। रेडियस लीजिए 3.3 सेंटीमीटर, स्केल के हेल्प से राउंडर में 3.3 सेंटीमीटर रेडियस लेने के बाद यहां पर एक सर्कल बनाइए 3.3 सेंटीमीटर। रेडियस आपने रखा है 3.3 सेंटीमीटर।
यहां से 3.3 सेंटीमीटर लेकर एक रेडियस बनाया गया। इसके बाद इन लोगों ने कहा ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखिए ये डायरेक्टली डबल है, डायरेक्टली रेडियस का डबल है, और रेडियस का डबल तो डायमीटर होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। उन लोगों ने कहा है कॉर्ड, तो कॉर्ड जो होता है आपका ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन रेडियस का डबल अगर बोला जाए तो वो कॉर्ड नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाता है डायमीटर। ठीक है, ये सब कॉर्ड ही है लेकिन ये स्पेशल कॉर्ड है, ये सेंटर से पास हो रहा है, रेडियस का डबल है, इसलिए क्या कहा जाता है डायमीटर। ओके, तो ये डायरेक्टली डबल है, तो कॉर्ड तो है वो, लेकिन स्पेशली वो क्या है डायमीटर है। तो वो कह रहे हैं कि डायमीटर ड्रॉ कीजिए, तो हम एक डायमीटर ड्रॉ कर देंगे स्केल से लेकर यहां से जाके में एक लाइन ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ कर दिया गया। नेम रखना है हमें पी क्यू, नेम रखना है पी क्यू। अब इन्होंने कहा पॉइंट ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू, तो पी और क्यू से इस सर्कल पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आप क्या कीजिए, इससे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आप ये रेडियस को बाहर तक ले जाएंगे, यहां पर खड़े हो जाइए, दोनों साइड कट कीजिए, यहां पर भी और वहां पर भी, ध्यान में दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यहां पर रखकर आपने राउंडर पेंसिल से दोनों साइड कट किया। अब इसके बाद में यहां पर खड़े हो जाइए, यहां से कितना डिस्टेंस लेकर एक कट ऊपर एक कट नीचे, सिमिलरली यहां पर खड़े होकर एक कट ऊपर एक कट नीचे। ओके, इस तरह से होने के बाद स्केल लेकर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाइए, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा लाइन सर्कल को टच करते हुए, इसलिए क्या है टेंजेंट। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमें पी से भी ड्रॉ करना है, तो रेडियस से ये जो सेंटर से रेडियस आ रही है इसे फिर से हम बाहर बढ़ाएंगे, फिर से हम उसके ऊपर दो कटिंग करेंगे, यहां पर खड़े हो जाइए, दो कटिंग कीजिए, एक आगे और एक पीछे, यहां पर राउंड रखें, कितना भी साइज चलेगा, साइज कितना भी रखेंगे चलेगा। दोनों साइड कट करने के बाद उसके बाद में हमें कटिंग करने हैं, यहां पर खड़े हो जाइए, कितना भी साइज लेकर ऊपर और नीचे, यहां पर भी कितना भी साइज लेकर, नहीं सेम साइज रहना चाहिए यहां पर और यहां पर, तो ये चारों सेम साइज के कट होंगे, सेम साइज पर चारों कट किया गया। अब इन्हें मिला दीजिए, ठीक है, स्केल और पेंसिल से मिला देंगे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा तीनों को मिलाते हुए, तो ये क्या है हमारा टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स ब्लू लाइन हमारे लिए क्या है टेंजेंट्स। अब देखिए फिगर बनने के बाद उन्होंने पूछा है राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट के बारे में आप क्या बोल सकते हो, तो आपको ये टेंजेंट्स कैसे दिख रहे हैं बस इतना बता दीजिए। तो बिल्कुल एक साथ में सीध में जा रहे हैं, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो हम यहां पर जवाब लिखेंगे आंसर ऑब्जर्वेशन द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर हिंदी में होगा समांतर रेखाएं, यहां पर स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर है ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, इन इंग्लिश द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने आज चार क्वेश्चन समाप्त किए, इनके जैसा सिंगल क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है, आप इसे ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।